हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन के टॉप 5 लाइब्रेरी के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पर है पांडास। आपने यह जरूर सुना होगा, डेटा साइंटिस्ट का 70 से 80% टाइम डेटा एक्सप्लोरेशन और डेटा क्लीनिंग में लग जाता है। पांडास का मुख्य रूप से डेटा एनालिसिस के लिए उपयोग किया जाता है और यह सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला पाइथन का लाइब्रेरी है। यह आपको सेट ऑफ टूल्स प्रदान करता है जिसके माध्यम से आप डेटा लोड, डेटा क्लीन और डेटा मैनिपुलेट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर है नमपाई। नमपाई का मुख्य रूप से एन डायमेंशनल एरे और न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। पाइथन लिस्ट की तुलना में यह 50 गुना अधिक फास्ट काम करता है। नमपाई डेटा साइंटिस्ट का फेवरेट लाइब्रेरी है। नमपाई का उपयोग अन्य लाइब्रेरी के साथ भी किया जाता है, जैसे कि टेंसर फ्लो और साईपाई के साथ भी किया जाता है। नमपाई का मुख्यतः इस्तेमाल कंप्यूटेशनल कैलकुलेशन में किया जाता है। तीसरे नंबर पर है साइकिट लर्न। साइकिट लर्न का इस्तेमाल मशीन लर्निंग के लिए किया जाता है। यह मशीन लर्निंग मॉडल बनाने के लिए सबसे बेस्ट लाइब्रेरी है। चौथे नंबर पर है साईपाई। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, साईपाई का मुख्य रूप से साइंटिफिक कामों के लिए उपयोग किया जाता है। साईपाई के सहायता से आप सिग्नल प्रोसेसिंग और साइंटिफिक इक्वेशन को हल करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचवे नंबर पर है मैटप्लोटलिब। मैटप्लोटलिब का इस्तेमाल डेटा विजुअलाइजेशन के लिए किया जाता है। इसके सहायता से आप किसी भी प्रकार का ग्राफ बना सकते हैं। अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स डेटा सेट है, आप मैटप्लोटलिब के सहायता से अपने डेटा को विजुअलाइज करके अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।